बोट रोक दो कैप्टन मैंगो। क्या बात है, तुम तो आज हमें कमाल के जंगल में घुमाने लाई हो एनी। क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, समझे? यहाँ पर कुछ खास पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, है ना कमाल? कौन कौन? हाँ, बंदर भी, लेकिन खास तरह के नहीं। उदास मत हो मैंगो, तुम उन सब बंदरों को खास बना देना, ठीक है? एनी, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ सी लग रही है, झाड़ियों में हमें यहाँ से निकलना चाहिए। धीरे धीरे से पीछे हटो दोस्तों, घबराना नहीं। ओए, ये क्या है, छोटा हाथी है क्या? ये तो जाइंट एंट ईटर है। हेलो एनी, इसका नाम है चेरो। तुम इसकी बात समझ सकते हो? डॉगी होने के फायदे हैं ये, वो तेज आवाज में बात नहीं कर सकती क्योंकि इसका मुंह छोटा सा है। एनी, चारो कह रही है कि उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं। पर तुम तो एंट ईटर हो, तो चींटियां खाओ, यहाँ तो लाखों चींटियां हैं। चारो ने कसम खा ली है कि अब वो चींटियां नहीं खाएगी चिंटू की वजह से। चिंटू कौन है? ये है चिंटू, ये एक चींटी है, ये चारो का बेस्ट फ्रेंड है। चारो बोल रही है कि चिंटू ने हेलो कहा है। क्या बात है, इसके कान तो पापा से भी तेज हैं, कमाल हो गया। क्योंकि एंट ईटर्स की सुनने की और सूंघने की शक्ति डॉग से ज्यादा होती है। वाह, तुम छोटा हाथी नहीं सुपर डॉगी हो, छोटे मुंह वाले। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। और अब तुम खाने की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ लेंगे, चींटियों के अलावा कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। मैंगो पेड़ों पर ढूंढेगा और हम सब ढूंढेंगे जमीन पर। ओए, ये देखो क्या मिला मुझे, पर जमीन के अंदर है। ये तो जंगली जिमीकंद है, पर ये तो इसके मुंह के हिसाब से बहुत बड़ा है। पर चिंटू के लिए नहीं है नी। अरे मैंगो, नारियल तो जिमीकंद से भी बड़ा है, वो इसे कैसे खा पाएगा? नारियल पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है मैंगो, पर अभी हमें कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। सुनो एनी, देखो मैंने क्या ढूंढ निकाला। वो जंगली बेरीज हैं बेन, इन्हें अकाई बेरीज कहते हैं। ये बहुत बढ़िया है बेन, इसमें कैल्शियम और विटामिन ए है, इससे हड्डियाँ मजबूत और आंखें तेज होती हैं। सुनो चारो, ये खा के देखो। मुझे लग रहा है गई भैंस पानी में, लगता है अब ये चिल्लाएगी। बेन, ये तो इमरजेंसी है, बुक में देखना होगा। धत तेरी की, एंट ईटर्स के दांत नहीं होते, ये खाएगी कैसे? जल्दी उसे थूक दो चारो। गुलाटी पे गुलाटी मारकर नदी में गिरेगी। हमें उसे रोकना होगा, अमेज़न की नदियों में पिराना होती है। ये कौन सी चिड़िया है? इंसान खाने वाली मछली। फिर तो वो सेफ है, वो एंट ईटर है, इंसान नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। थक तेरी की, वो गिरने वाली है। क्या बात है, चिंटू ने जरूर चांदनी चौक के पराठे खाए होंगे। चींटियां खुद के वजन से 50 गुना भारी चीजें उठा सकती हैं। चिंटू चांदनी चौक वाला चींटियों का बाहुबली है। बो, बो। मुझे लगता है इसे पापा ने ट्रेन किया है। रुको मैंगो, मैं देखती हूँ इसे खा सकते हैं या नहीं। अरे ये क्या किया, ये साउथ अमेरिका की बहुत तीखी मिर्च है। ये क्या किया, मेरा मतलब
मिसाइल आने वाली है। मैंगो, नारियल फेंको। मिल गया। चिंटू स्ट्रॉ। चिंटू तो आज कमाल ही कर रहा है। इसे पी लो चारो। जान बची तो लाखों पाए, चारों मुंह से धुआं उड़ाए। वाह मैंगो, ये पैशन फ्रूट है, ये बढ़िया है। पैशन फ्रूट मीठा और बहुत ही ज्यादा नरम होता है। ये लो चारो। क्या बात है, इसने पैशन फ्रूट तो बहुत ही पैशन से खा लिया। यानी चिंटू और चारो थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स। इतने फ्रूट्स तो चारों का पूरा खानदान खा सकता है। सायोनारा चारो, अब तुम्हारे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो, चारो और चिंटू हमें एक गिफ्ट देना चाहते हैं, वो भी दिल से, यादगार के तौर पर। वाह, अमेज़न ऑर्किड, ये तो बहुत ही सुंदर है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ओ, एनी जरा रुक जाओ। क्या हो गया बेन? चिंटू उसके नीचे लटक रहा है। माफ करना चिंटू। ओह रब्बा रब्बा, आज तो एक्सीडेंट हो जाता, चिंटू चांदनी चौक पहुंच जाता। तुम और तुम्हारे जोक बेन। इतने बड़े गुब्बारे तो पापा भी नहीं फुला सकते। पता है, ये न्यू मैक्सिको इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा बलून फेस्टिवल है। ओए मैंगो, कहाँ चले तुम? मैंगो को भी बलून उड़ाने का मन है। मैंगो, तुम ऐसे ही बलून नहीं उड़ा सकते, वो सब बलून दूसरों के हैं। वो देखो, फ्री बलून राइड का बोर्ड। ठीक है एनी, चलते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल, चलो चले। जो जीता वही सिकंदर, आ जाओ। अरे वो देखो सामने, वो क्या है, खरगोश या बारहसिंगा? वो है एक जैकलोप। जैकलोप एक काल्पनिक जानवर है, वो होता है आधा खरगोश और आधा एंटलोप। बलून पायलट नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा लाइसेंस दिखाओ। अब जब तक असली पायलट नहीं आता, हम इसी में बैठकर इंतजार करते हैं। ओए, हम अपने आप कैसे उड़ गए? अब तो हम यहाँ से कूद भी नहीं सकते। मेरे लिए रुको मियां। अरे तुमने तो कहा था ये काल्पनिक जानवर है। ऐसा किसने कहा मियां, मैं तो असली होना, पर ये राज होना। कैसे हो? मेरा नाम है जैकलोप, या फिर जैकलोप, प्यार से जक्कू बुलाते मियां। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब यही बोलते हैं, हम मस्त आदमी होना, अपने बहुत चाहने वाले मियां, और अपना सामान भी खूब बिकता। जैकलोप की चेन्स, जैकलोप कप्स, जैकलोप रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स, जैकलोप हैट्स, पूरी दुनिया पर अपन का जलवा छाया हुआ है मियां। तो क्या कैप्टन, हम सही रास्ते पर हो ना? कैप्टन तो तुम हो ना? हाँ, हमारे पास टोपी ना को, ये टोपी वाला कैप्टन हो ना? ए, एक मिनट रुकना, ये तो एक बंदर है, क्या ये कंपटीशन का विनर होएगा? कंपटीशन? किस तरह का कंपटीशन?
हम जो टारगेट पर मार्कर छोड़ना मियाँ देख रही हो वहाँ पर, जिसका जासी नजदीक होना वो विनर होएगा। अपने पास मार्कर, बलून और क्रू सब होना मियाँ, हमको खाली अब टारगेट तक पहुँचना होएगा। क्या बात होना मियाँ, तुम तो बेस्ट कैप्टन हो ना, ये कैप भी तुम्हें बहुत जच रही है मियाँ। थैंक यू। ओए, मैं को-पायलट बनूंगा। ये तो मेरा बचपन का ख्वाब होना मियाँ, अक्खा जिंदगी में ट्रेनिंग किया, आपने को जीतना होएगा। फिर लोगों को भी पता चल जाएगा तुम असली हो। हम तो वो नहीं मांगता मियाँ। पर क्यों? ऐसा क्यों नहीं करना चाहते तुम? मैं पहले से ही बहुत मशहूर हूँ ना, अगर लोगों को मालूम पड़ना मैं असली, फिर मेरे को टीवी, रेडियो और इंटरनेट पर जाना होएगा। इतना मेरे पास टाइम न को है। अपन के लिए मजा बहुत इम्पोर्टेंट होना, और उसके लिए अपन को आजादी मांगती। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी घूमने में मजा आता है और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। ओए, खुशखबरी है, ट्विस्ट का तड़का मार के मैंगो की बत्ती जली और उसने हम सब के लिए सही रास्ता बड़ी आसानी से ढूंढ निकाला है। पर ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट है कि हवा में गलत रास्ते पर ले जा रही है। गई भैंस पानी में, अब क्या करें हम? हम करने वाले हैं वो डस्ट डेविल। ये तो खतरनाक है। और हम हैं मियां खतरों के खिलाड़ी। डस्ट डेविल क्या होता है? रेत का तूफान, ये एकदम रेत के भवंडर की तरह होता है। बहुत बढ़िया जैकलोप। ओए, ये तो जादू है। मैं खतरों का खिलाड़ी होना, झटके लगने कस कर पकड़ना मियाँ। थैंक यू डस्टी। मियाँ चलना। क्या बात है, कमाल दे दिया तुमने। थैंक यू होना मियाँ, हमको एक ही बात बोलना, वो रहा टारगेट मियाँ। सब तैयार हो जाओ, बस पहुंच गए। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। छोड़ दिया। लेकिन एक बात तो बताओ तुम, अब हम सब उतरेंगे कैसे? टेंशन न को मियाँ, बस इसे खींचना और हम नीचे होना। ओए, तुम्हें ये उड़ाना पहले से ही आता था ना, जानबूझकर नहीं बताया ना तुमने? हाँ, तुमने हमें बुद्धू बनाया ना। हाँ, आप क्या बोलूँ, ये मेरा स्टाइल होना मियाँ। आप देखो ना, हमारा भी दिल होता ना, हमारा भी मन करता दोस्तों के साथ खूब मजे करने को। हाँ, बात तो सही है। पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। वो गायब हो गया। देखो दोस्तों, हम जीत गए। काश हमारे साथ जैक भी होता तो कितना अच्छा होता ना। देखो, तुम्हें तो पता ही है उसका स्टाइल एकदम अलग है। और पता है मेरे महान पापा क्या कहते हैं? अरे जल्दी बताओ, पता है कि नहीं? क्या बताओ, क्या कहते हैं पापा? ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे बाय, दिल में हाय होएगा, जो भी होएगा सब चंगा होएगा। बकवास जोक। हेलो, ध्यान से चलाना, हम बर्फ के नीचे चल रहे हैं, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कुल्फी जम जाएगी। आनी कुल्फी, मैंगो कुल्फी, बैन कुल्फी। बैन, बोरिंग जोक। मैंगो वो देखो, वहाँ पर बर्फ पतली है। वाह, सूरज की रोशनी कितनी सुंदर दिख रही है वहाँ। हम पहुँच गए फाइनली एंटार्क्टिका। अभी यहाँ साउथ पोल पर गर्मी का मौसम है। दिसंबर में बर्फ पड़ती है, गर्मी नहीं। पृथ्वी के नॉर्थ में अभी सर्दी चल रही है और इक्वेटर साउथ में गर्मी। आ, न, 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 न,
ये एक वेटर कोई चिड़िया है क्या? यूँ समझ लो कि ये एक लाइन होती है जिसका नाम है इक्वेटर, जो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ में बांटती है। जून, जुलाई और अगस्त के महीने में पृथ्वी का नॉर्थ सूरज की ओर होता है और फिर वहाँ गर्मी होती है, और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पृथ्वी का साउथ सूरज की ओर होता है और इसी कारण इस हिस्से में गर्मी होती है। यह गर्मी है? क्या बात कर रही हो तुम? यहाँ के हिसाब से हाँ, अभी का टेम्परेचर है -20 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि -29 डिग्री सेल्सियस। अरे 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 अरे, इसे नहीं ले सकते हो तुम। नर पेंगुइन्स मादा पेंगुइन्स के लिए तोहफा ले जाते हैं, और यही वजह थी कि ये मेरा फोन छीन रहा था। मैंगो पूछ रहा है कि अंटार्कटिका में जमे हुए वाइकिंग्स रहते हैं क्या? नहीं, पर वो यहाँ कर क्या रहा है? हमें उसे बचाना होगा, जल्दी करो दोस्तों। ये गरम सूप पी लीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। लार्स बहुत खुश हुआ, मुझे ये सूप बहुत पसंद आया। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। वैसे बात बताइए, आप यहाँ इस बर्फ में कब से जमे हुए थे? मुझे तो बस इतना याद है, 915 में मैं शिप चला रहा था। क्या कह रहे हो? मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पहले? मैं चला अपने शिप को ढूंढने। शिप बिना वाइकिंग जैसे नमक बिना खाना। यहाँ शिप नहीं, सिर्फ बर्फ है। अरे वाह मैंगो, तुमने तो इनकी शिप ढूंढ निकाली। एनी, इसे पिघलाने में नानी याद आ जाएगी। ये मजदूर के पंजे हैं, बर्फ पिघलाकर पानी बना देते हैं। जल्दी करो वरना रात हो जाएगी। चिंता मत करो बेन, अंटार्कटिका में गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यहाँ रात नहीं होती, यहाँ 2400 घंटे सूरज निकला रहता है। ओए, ये क्या जादुई चीज है, बर्फ कैसे पिघल गई इससे? ये हेयर ड्रायर है, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है मिस्टर लार्स। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, बर्फ के बीचों बीच रेगिस्तान की गर्म हवा जैसी है ये। ये मैंगो क्या कह रहा है? छोटे शाबाश, शिप के लिए रास्ता बना दिया। ओए, अब मैं घूमने जाऊंगा समुद्र के बीचों बीच। मैं हूँ लार्स, लाल दाढ़ी और गुलाब देवी का इस तरह। तो मैं भी अपने मम्मी पापा का लाडला बेटा हूँ। बेन, वाइकिंग अपने खानदान के बारे में सबको इसी तरह बताते हैं। वो इसे कहते हैं नॉर्स कैटलॉग। उनका दिल बोलता था हड़प्पा और उनके भाई का नाम था तड़प्पा। उनकी बहन ने खिला के पनीर टिक्का कमा लिया था सिक्का। ओए, मेरा हो गया। अरे मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी कब आंख लग गई, सॉरी। इसकी चिंता मत करो, अब तो आदत हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ सनस्टोन लेने, फिर मैं इधर चला उधर चला। ओए, मेरा सनस्टोन कहाँ गया? ओए, इसमें नहीं है वो सनस्टोन। मतलब हम वाइकिंग्स उसी की मदद से रास्ता ढूंढते हैं, सूरज की रोशनी के जरिए। ये लीजिए मेरा कंपास। ओए, हम साउथ पोल पर हैं, यहाँ पर कंपास हर जगह नॉर्थ दिखाएगा, तो यानी इस तरफ सब कुछ नॉर्थ होगा। ओ तेरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है सनस्टोन कहाँ मिलेगा, इन पेंगुइन्स में से किसी एक के पास। इनमें से किसी नर पेंगुइन ने तुम्हारा सनस्टोन मादा पेंगुइन को दे दिया होगा तोहफे में। ओए, लेकिन ये तो हजारों में है, हम इनमें सनस्टोन ढूंढेंगे कैसे? ओए, पापा कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो कुश्ती करके निकाल लो। ओ, ओ। कोई कुश्ती नहीं, बस तुम्हें इनसे बात करनी है और ये मामला आराम से सुलझ जाएगा। ओ, ओ। ठीक है, लैरी कह रहा है सैम से बात करो, वो वहाँ है, चलो उस तरफ। ओए, ओ जल्दी, ओए मुझे लेट हो रहा है। कोई से बताओ, ये हजारों साल लेट है।
ओए देखो मुझे मिल गया। ओए इसे पेंगुइन ने अपने मुंह में दबा रखा है। ओए कसम पैदा करने वाले की, इस छोटे पेंगुइन में तो हाथी से ज्यादा ताकत है। जहाँ ताकत हराए वहाँ बुद्धि बचाए। क्या ये लोगे तुम इसके बदले? डील? ये लीजिए आप। एक बार फिर पानी में होकर सवार निकल पड़ा लार्स। सनस्टोन के हिसाब से वो सही रास्ता है। तुम तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी तरफ से, ताकि तुम्हें याद रहे लार्स। ओए लाल दाढ़ी और गुलाब देवी का बेटा, चंपक लाल का पोता और लाल बहादुर का भतीजा। जल्दी करो इससे पहले फिर से नींद आ जाए। नाम पे नाम बोले जा रहा है बिना किसी काम। इतना तो मेरे पापा भी नहीं बोलते। ये सुन के पापा भी डर जाए। नहीं समझे क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ, हमेशा की तरह जोक था ये। समझे क्या? ओ बेन, बहुत ही बकवास जोक था। डच हार्बर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ का सबसे दूर वाला हार्बर है। यानी हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्या? हाँ शायद। मुझे पोलर बेयर से मिलना है, मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। अरे और कब तक हम नॉर्थ की तरफ चलते रहेंगे? बेन देखो, शायद हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो हमें ज्यादा ठंडी जगह पहुँचना होगा। पोलर बेयर्स वहीं पर मिलेंगे। क्या बात है, अपना मैंगो तो स्मार्ट निकला। वो कह रहा है कि दुनिया हो गई गर्म, बर्फ हो रही है खत्म। मैंगो सही कह रहा है, नॉर्थ पोल की बर्फ पिघले जा रही है, क्योंकि लोग बहुत फ्यूल यूज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। 20 साल पहले नॉर्थ पोल इतना बड़ा था और अब इतना हो गया है। मुझे लगता है मैंगो ने पोलर बेयर देख लिया। अरे उसे देखो तो। अने, पापा कह रहे थे पोलर बेयर व्हाइट होते हैं, पर ये पोलर बेयर हरा कैसे? कलर बाद में देखेंगे, अभी उसे बचाना जरूरी है। वो फंसा हुआ है एक बर्फ के टुकड़े पर। मेरी मदद करो। अब भाई डरो मत, हम आवे। मैं हूँ अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं 2 दिनों से तैर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी ही बर्फ बची है, बाकी सारी बर्फ पिघल गई है। वैसे एक सवाल पूछूं, तुम सफेद की जगह हरे क्यों हो गए हो? एलजी यानी काई मेरे फर से चिपक गए। काई छोटे छोटे पानी के पौधे होते हैं, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ पर काई कैसे जमी होगी? ये बर्फ मेरी माँ है, मेरा फर हल्का है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर उसमें काई जम जाती है। मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हरा हूँ और मुझे बर्फ चाहिए। कैप्टन मैंगो, इस बार नॉर्थ पोल पे अपनी सवारी निकालो। डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाएंगे। वैसे तुम बोट के बीच में आ सकते हो क्या? इस तरह बोट पलटने का डर है और मैंगो चला भी नहीं पा रहा। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं। समुद्र में बहुत तूफान आते हैं, लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। खतरनाक होता है क्या? ध्यान से चलाना कैप्टन मैंगो, ये लहरें हमारी बोट पलट भी सकती है। उसके वजन से बोट सीधी चलेगी। अंदर चलो अन्ना चौकन्ना। लोग पहले अपनी शिप में बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे, उन पत्थरों से शिप डगमगाती नहीं थी। हमारे पास पत्थर नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास पोलर बेयर है, हम उसी से काम चला लेंगे। पहले इतने सारा तूफान बिल्कुल नहीं आते थे, पर जब से गर्मी बढ़ी तब से बढ़ गए हैं। पहले इस टाइम पर बर्फ गिरती थी, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। बारिश? पर
हम तो नॉर्थ पोल जा रहे हैं, वहाँ तो ठंड होती है ना, वहाँ तो चारों तरफ जो है बोट पर बर्फ गई है जम, मुसीबत में पड़ गए हैं हम। बर्फ से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बोट डूब जाएगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या बात है, इतने कूल तो पापा भी नहीं है। हमें तो इसे साफ करने में जमाना लग जाता। हो गया साफ और साथ ही बन गया एक गिफ्ट खास। ये क्या, यहाँ का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं, इतना ठंडा कि बर्फ जम जाती है। मुझे जगा दो, ये मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पानी में तो हमारी कुल्फी जम जाती, पर अन्ना के तो मजे हैं। लगता है इसका भी हाथ 2.5 किलो का है। अन्ना तुम्हारा तो रूप ही बदल गया। मैं वापस से ठीक हो गया हूँ, काई सारी धुल गई है। काई ठंडे पानी में नहीं उगती है, बर्फ मेरी माँ है। अब मैं शिकार बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब बर्फ में मुझे देखना बड़ा मुश्किल होगा, हरे रंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम पहुँच गए, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम तीनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं हरे से सफेद कभी नहीं बन पाता। ये तो बस शुरुआत है, पूरी दुनिया में सिर्फ 26,000 पोलर बेयर्स की ही तादाद रह गई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, जिससे बर्फ बढ़ेगी और बेयर्स के लिए जगह भी। हमारी बोट बिजली से चलती है, जिससे न हवा में पॉल्यूशन होता है और न ही गर्मी बढ़ती है। हम और किस तरह से पाजी और उनकी दोस्त की मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं और विंड मिल्स भी, उससे बिजली बिना पॉल्यूशन के बनती है। और कार्स भी बैटरी वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर हम बस इतना करें तो हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं, इसमें सबका फायदा है। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है, एक खास गिफ्ट। मेरे पास देने के लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, पर तुम अपने पास मेरा प्यार रख सकते हो। थैंक यू सो मच अन्ना। बाय बाय अन्ना चौकन्ना, अपने घर पर मजे करना। नए नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना बेन? सही कहा, पर जो भी कहो, हमारे अन्ना पाजी सारे दोस्तों में सबसे कूल हैं। कूल समझे, क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। यानी इसकी तारीफ तो बनती है। बेन, तुम भी ना बस। एनी, मैंगो को साइकिल चलानी तो आती नहीं, ये सबमरीन क्यों चला रहा है? तुम मैंगो पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंगो हमें हमेशा एडवेंचर कराता है और मुझे एडवेंचर्स पसंद है। और हम चले। अरे अरे, धीरे से चलाओ। अरे क्या कर रहे हो? जान बची तो लाखों पाए। वाओ, ये तो बड़ी से एक्वेरियम की तरह है। यूकि देखो तो जरा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। देखो जल परी। और डॉगफिश भी है। तो चले दोस्तों, यूकि मुझे जल परी से मिलना है। ठीक है, मैंगो तुम आराम कर लो, क्योंकि वैसे भी एक कैप्टन कभी शिप नहीं छोड़ता। हेलो हेलो, मैं हूँ एनी। और मैं बेन। क्योंकि मुझे लगता था जलपरियां सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। और मुझे लगता था कि इंसान कहानियों में ही होते हैं। मैं सेरिना हूँ एनी। वो वो, ये है फिन। ये पूछ रहा है कि क्या हम कैटफिश का पीछा कर सकते हैं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जी अपनी जिंदगी। चलो चलते हैं। अरे हाँ, और ये है मैंगो। सॉरी, मतलब कैप्टन मैंगो। अरे तुम्हारा कैप्टन तो कितना क्यूट है। क्योंकि तुम एक जलपरी हो, तो क्या तुम यहीं कहीं रहती हो? हम वहाँ रहते हैं।
आओ दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो। सर सुनो बेन, चलो चलकर सरीना का शहर देखते हैं हम। ये क्या कह रही हो, पानी के अंदर शहर नहीं होते। कितनी सुंदर जगह है ये, इस जगह का नाम क्या है? एटलांटिस। खोया हुआ शहर अटलांटिस? पर मुझे तो मम्मी ने बताया था कि अटलांटिस डूब गया था हजारों साल पहले। ओ, वो तो हमने खुद किया था, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी होती है तो हम पानी के नीचे चले आए। ओए, पापा भी ये जगह नहीं ढूंढ पाए पर हमने कर दिखाया, अब ये फाउंड सिटी ऑफ अटलांटिस हो गई। बढ़िया, ये कितना सुंदर है, ये लाइट्स कहाँ से आई? एनी, ये ग्लोब्स प्लैंकटन से भरे हुए हैं। ये छोटे छोटे पौधे अंधेरे में चमकते हैं, पर ये कम है। हम बहुत गहरे पानी में हैं, तो ये रोशनी ज्यादा काम नहीं कर पाती है। अरे नहीं, वो क्या हो रहा है और लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? ये खतरे की घंटी है। ओए, वो क्या है? ये तो जायंट स्क्विड है। इस तरफ आओ। क्या तुम्हारे यहाँ ये अक्सर होता है? हाँ, रोज होता है। वो आता है और लाइट्स तोड़ जाता है। वो इतना बड़ा है कि हम कुछ नहीं कर पाते। लाइट्स? सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स तोड़ता है? मैं समझ गई वो ऐसा क्यों कर रहा है। तुम समझ गई? जहाँ पनाह तुसी ग्रेट हो, हमारी मदद करो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबमरीन की सारी लाइट्स ऑन करो और स्क्विड की तरफ जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मैंगो हमारा ऐसा काम करेगा। ओए, कर दे नाम। ओए, पापा खुश हो जाएंगे, अब कमाल करेंगे हम। वो, 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 वो। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। अरे नहीं, फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। देखो, ओए, ये हुई ना बात। हेलो। अरे वो तो दोस्ती कर रहा है। मैंने बुक में पढ़ा था कि स्क्विड्स को लाइट पसंद है, इसीलिए वो तुम्हारे शहर की लाइट्स को तोड़ता है। तुम्हारे आइडिया से मुझे एक आइडिया आया। हम तैयार हैं, तुम शुरू करो। ओए, ऐसे तो मेरे पापा कुल्ला करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली आ गई हो, और स्क्विड बिल्कुल ऐसा ही तो चाहता था। थैंक यू एनी, तुमने कमाल खो दिया। आज के बाद से ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। आज से ये स्क्विड हुआ हमारा चलता फिरता चमकता हुआ सितारा। आज बहुत मजा आया, हम तुम्हें और इस शहर को कभी नहीं भूलेंगे। हम भी नहीं भूलेंगे। ये देखो, हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बनाया है। अरे वाह सरीना, ये तो एटलांटिस ग्लिटर ग्लोब है। कितना सुंदर है ये, शुक्रिया। गुड बाय, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। हाँ, हम हैं जबरदस्त खिलाड़ी, नहीं मानते हार। स्क्विड को हमने जुगनू बना दिया यार। ओ बेन, पकाओ जोक। <जो। laughs>
आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।